फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग भी Realme 3 और 3i का डिवाइस यूज करते होंगे तो यहाँ पर आप लोग C.11 का नया लेटेस्ट अपडेट कब आएगा हमारे डिवाइस में, इसका जरूर इंतजार कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Realme 3 और 3i के जितने भी यूजर हैं उन्होंने जो C.10 का अपडेट किया था, जो कि कई दिनों पहले आया था, तो उसको अपडेट करने के बाद सभी यूजर, मेरे ख्याल से जितने भी यूजर हैं सभी लोग परेशान हो गए होंगे, क्योंकि वहां पर कई सारे बग्स देखने के लिए मिले थे। तो दोस्तों, यहां पर मैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि Realme 3 और 3i के लिए C.10 में कौन से नए ऐसे खतरनाक बग्स थे और साथ ही इसका नया अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, जो कि C.11 हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में वही मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। तो दोस्तों, आप देख रहे हो JTech Lab। यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं बात करूँ Realme 3 और 3i की, तो Realme 3 और 3i में जब से Realme UI का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है, तब से दोस्तों कई सारे प्रॉब्लम भी स्टार्ट हुए हैं दोनों ही डिवाइस में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Realme 3 और 3i के लिए C.10 का जो अपडेट आया था उसमें कई सारे बग फिक्स किए गए थे, जो कि एक स्टेबल अपडेट था दोस्तों। मगर दोस्तों, इस अपडेट के बाद भी कई सारे ऐसे यूजर हैं जिनको कई सारे बग्स फेस करने पड़ रहे हैं। और दोस्तों, यहां पर मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, बग्स एक दो नहीं है, काफी सारे। तो फटाफट से मैं आपको वो भी बता देता हूँ, अगर आप लोग Realme 3 और 3i का डिवाइस यूज करते होंगे तो यहाँ पर अगर बग की लिस्ट में आपको बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों चार्जिंग स्लो हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चार्जिंग बहुत ही स्लो हो रहा है, चार्जिंग स्लो का प्रॉब्लम नजर आ रहा है इस डिवाइस में। इस डिवाइस मतलब Realme 3 और 3i दोनों ही डिवाइस में Realme UI के अपडेट के बाद दोस्तों, यहाँ पर चार्जिंग काफी स्लो है, बहुत टाइम ले रहा है चार्जिंग होने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं दूसरे इशू की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप कैमरा यूज करते हो तो कैमरा मतलब अगर एकदम लो लाइट में यूज करोगे तो बहुत ही कैमरा की क्वालिटी दोस्तों यहाँ पर मतलब बहुत ही खराब हो गई है। आपको मन ही नहीं करेगा कैमरा ओपन करने का, मतलब इतनी क्वालिटी बेकार हो गई है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यार दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रॉब्लम बता रहा हूँ इनमें से शायद कई लोगों को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ी हो, यार आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो के नीचे कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, कि आपके डिवाइस में कौन सा बग है इसके अलावा भी, तो आप सब कुछ मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों और एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कई लोगों का SD कार्ड ही डिटेक्ट नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मतलब किसी किसी में जैसे आप मेमोरी कार्ड यूज करोगे आपके डिवाइस में तो वहां पर डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। ये भी कई लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है नए अपडेट के बाद। यहाँ पर और मैं बग बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करते होंगे अपने डिवाइस में, सभी लोग तो करते ही, यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। वर्क तो छोड़ो, वो डिटेक्ट भी नहीं कर रहा, अगर आप नया सेटअप करोगे तो वो भी काम नहीं करता है यहाँ पर। तो इसमें फिंगरप्रिंट की भी प्रॉब्लम आ रही है कई सारे यूजर को Realme 3 और 3i के C.10 अपडेट के बाद। यहाँ पर दोस्तों, मैं अगली बात करूँ तो बैटरी। जी हाँ दोस्तों, मतलब यहाँ पर बैटरी की मैं आपको क्या बताऊँ, बैटरी एक तो आपकी स्लो चार्जिंग होगी, चार्जिंग स्लो होने में टाइम लग रहा है, मतलब काफ़ी स्लो हो रहा है चार्जिंग। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपकी बैटरी ड्रेन काफ़ी जल्दी हो रही है, मतलब आपको क्या बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर चार्जिंग स्लो, बैटरी जल्दी ड्रेन होना है, कुछ ज़्यादा ही मतलब फास्ट ड्रेन हो रही है यहाँ पर आपकी बैटरी C.10 अपडेट के बाद। जबकि दोस्तों, ये एक स्टेबल अपडेट था, यहाँ पर कई सारे बग फिक्स हो जाने चाहिए थे, छोटे मोटे बग है ठीक है वो मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर कई यूजर को ये सारे बग फेस करने पड़ रहे हैं जो कि बड़े बड़े बग हैं दोस्तों। दोस्तों और भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, अगर आपने नया लेटेस्ट अपडेट कर रखा है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से Realme UI का अपडेट कर रखा है Realme 3 और 3i डिवाइस में, तब से आपका फोन थोड़ा सा हैंग होने लगेगा, थोड़ा सा लैग चलेगा, कोई कोई ऐप वहीं स्टक हो जाएगा, स्लो होएगा, स्लो काम करेगा आपका डिवाइस। ये तमाम तरीके के बग्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं Realme UI के अपडेट में दोस्तों। यहाँ पर और एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब सभी लोग को ये फेस करनी पड़ रही है, हीटिंग इशू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हीटिंग इशू भी देखने के लिए मिल रही है, मतलब अगर आप डिवाइस नॉर्मल तरीके से यूज करोगे, चार्जिंग को लगाओगे, एक तो चार्जिंग स्लो हो रहा है, स्लो चार्जिंग होते समय भी आपका डिवाइस हीट करेगा। अगर आप थोड़ी देर गेम वगैरह खेल लोगे, कोई सोशल ऐप यूज कर लोगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी चलाओगे, तो यहाँ पर हीटिंग इशू काफी जल्दी नजर आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों, ये सारे इतने सारे तो बग्स थे, इसके अलावा और भी कई सारे बग्स होंगे दोस्तों, छोटे मोटे भी और बड़े भी। तो मैं अगर भूल गया रहूंगा इसके अलावा, अगर अगर आपके डिवाइस में कोई बग है तो वो मुझे कमेंट के नीचे
कमेंट करके आप वीडियो के नीचे जरूर बताना। अब दोस्तों ये सारे बग्स नेक्स्ट अपडेट में जरूर फिक्स होने चाहिए और होंगे भी कई सारे इनमें से बग्स फिक्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अब इसका नेक्स्ट अपडेट कब आएगा। यहाँ पर C.11 नाम का कोई अपडेट आ सकता है दोस्तों, यहाँ पर मतलब ये कंफर्म नहीं C.11 ही आएगा, लेकिन दोस्तों C.11 आने के चांसेस ज्यादा है। तो C.11 का Realme 3 और 3i के लिए नेक्स्ट अपडेट आपको देखने के लिए मिल सकता है, इसी मंथ में देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर Realme 3 और 3i के लिए C.11 का अपडेट जून के मंथ में ही देखने के लिए मिलेगा। अब इस ये आपको जून में कब तक देखने के लिए मिलेगा, आज हो गई समझ लो, अगर आप मान लो 10 तारीख हो गए तो आपको ये अपडेट कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। ये अपडेट दोस्तों यहाँ पर आपको थर्ड वीक एंड होते होते आपको मिलना स्टार्ट हो सकता है, यानी कि जून के जो थर्ड वीक होता है, थर्ड वीक जब से एंड हो जाएगा तो एंड होते होते और फोर्थ वीक का स्टार्ट होते होते ही जून में आपको रियलमी 303i के लिए C.11 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हो सकता है शायद जल्दी भी हो जाए और हो सकता है एंड ऑफ जून तक भी अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाए, तो लेकिन आपको जून के मंथ में अपडेट जरूर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर यही उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर ये सारे बग्स जरूर फिक्स हो जाए, कम से कम हीटिंग प्रॉब्लम, बैटरी ड्रेन और चार्जिंग की प्रॉब्लम, ये तीन चीज़ें तो सबसे पहले फिक्स होनी चाहिए दोस्तों, और स्टेबल अपडेट में तो ये सारी चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बता देना जरूर यार। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर अगर आप नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, फ्री में होता, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है दोस्तों। तो और भी इसी तरीके की वीडियो आपके लिए आती रहेगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाल वाला बटन दबा दो यार, फ्री में होता, कुछ भी कर लो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।